बस आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है, हम पाये बनाएंगे। पाये को हमने धो के रख दिए, इसके अंदर हमने प्याज भी ऐड कर दी है और ये मसाले लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के डालेंगे और ये गार्निश के लिए हरा धनिया और ये सब मसाले ऐड करेंगे। अभी इसके ऊपर हम पानी डालेंगे। सब मसाले ऐड कर दिए, अब इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी इसके अंदर ऐड कर दिए, अब इसके अंदर हम मसाला डाल दिए, मसाला भी डाल दिए और पानी भी ऐड कर दिए। अब इसके अंदर तेल डालेंगे और अदरक और लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन का हम पेस्ट डालेंगे। आप हमारे साथ ही रहना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती जाएगी। इसको चूल्हे में रखने के लिए जा रहे हैं। हम इसको लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे पाए के अंदर। अभी इसमें हमने पेस्ट डाल दिया है, फिर इसको भूनने के लिए रख देंगे। जैसे भून जाएंगे इंशाल्लाह इसमें हम एक पतीली गर्म पानी डालेंगे। पाए मसाला भून गए, अब इसमें हम गर्म पानी डालेंगे इसलिए जल्दी से गल जाए। देखो मसाला सारे भून गए, अभी गर्म पानी डालेंगे इंशाल्लाह और सही हो जाएगा। चलो इसमें हम एक पतीली गर्म पानी की डालेंगे ताकि और अच्छी तरीके से घुल जाए माशाल्लाह से। अभी हम इसको 2 से 2.5 घंटे पकाने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही बनता है हम आपको बताते हैं, हमारे साथ ही रहना। साथ में हमने पकोड़े का आटा भी मिक्स कर दिए। अभी जैसे पाए बन जाएंगे इसके बाद हम पकोड़े तलेंगे।